हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा, रेखा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैरीगोल्ड बिस्किट से डिज़र्ट। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने रसबेरी जेली ली है। अब एक दूसरा बाउल ले लेंगे और इसमें से आधी जेली लेंगे। मुझे आधी की ज़रूरत है, आधा हम किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो 3 टेबल स्पून मैंने जेली ले ली है। इसमें डाल देंगे आधा कप गर्म पानी। स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे और ध्यान रखिए इसे हमें जमने नहीं देना, स्पून से बार बार हिलाते रहें ताकि ये सेट ना हो सके। साइड में रख दें। अब एक पैन ले लें, इसमें डाल देंगे 2 कप दूध। आधा कप दूध बचा लें। अब इसमें ऐड करें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और स्पून से अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना हो। दूध में उबाल आ गया है, फ्लेम को लो कर दें। अब जो दूध हमने तैयार किया है कस्टर्ड पाउडर वाला, वो डाल दें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि इसमें गांठे ना पड़े। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 3-4 चम्मच चीनी की ऐड कर दें इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करना चाहते हैं और आपके पास है नहीं तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं और इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसे घर में ही बनाया था। अब इसमें ऐड करेंगे 2-3 चम्मच मेल्ट की हुई वाइट चॉकलेट। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने एक केक बनाया था तो वाइट चॉकलेट बची हुई थी मेल्ट की हुई, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अगर आप ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसे मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर। अब इसे चेक करने के लिए उसको चम्मच को स्पून को उल्टा करके देखें और फिंगर से इस तरीके से इसमें लाइन खींचे। अगर दोनों मिली नहीं तो परफेक्ट है, बनकर तैयार है, इतना ही गाढ़ा चाहिए। अब गैस को बंद कर देंगे और एक ले लेंगे बाउल। इसमें डाल देंगे मैरीगोल्ड बिस्किट, इस तरीके से लगा देंगे लाइन से। कोई भी शुगर सिरप की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए जो हमने कस्टर्ड बनाया वो गर्म होना चाहिए। अब गर्म गर्म कस्टर्ड इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसमें छोटे छोटे टुकड़े भी, जो हमारा जो स्पेस बचा हुआ है, बिस्किट तोड़कर इस तरीके से लगा देंगे। अब गरम कस्टर्ड को इसके ऊपर डालेंगे और उससे ये बिस्किट अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। कोई भी शुगर सिरप की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास काजू, बादाम और पिस्ता थे तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर वो ऐड कर दिया है। टूटी फ्रूटी डाल दें। ड्राई फ्रूट में जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। अब ये जो हमने जेली बनाई थी इसको हमने जमने नहीं दिया। अगर आप जम जाती है तो एक बार मिक्सी में चला दें। रसबेरी जेली को स्पून से चारों तरफ फैला दें। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास ग्रेप्स हों या एप्पल, कुछ भी फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो इसके ऊपर इस वक्त नाइफ से काट के लगा दें। और ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने एक बिस्किट की लेयर लगा दी। अब दूसरे बिस्किट जो लेना है उसे कस्टर्ड में डिप करना है और इस तरीके से लगाना है ताकि बिस्किट सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसमें चाशनी का यूज़ नहीं किया, कस्टर्ड गर्म ही चाहिए। अब फाइनल हम जो भी कस्टर्ड बचा है इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास चेरी हो या फिर स्ट्रॉबेरी हो उसको कट करके इसके ऊपर लगा दें। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, कलरफुल। इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड किया। अब इसके ऊपर डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और जो हमारी जेली बनाई है, रसबेरी जेली बनाकर तैयार की थी, वो इसकी साइडों में लगा देंगे। उससे ये कलरफुल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कुछ इस तरीके से जेली लगाई है और उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी मैरीगोल्ड बिस्किट को नाइफ से काट के मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब एक बिस्किट ले लें और इसको हम देंगे हार्ट शेप, क्योंकि हम इसे वैलेंटाइन डे स्पेशल बना रहे हैं तो हार्ट शेप का हम बिस्किट को काटेंगे। इस तरीके से नाइफ से शेप दे दें। 3 की ज़रूरत है तो एक बिस्किट लें। अब सेम साइज़ की बनाना है, इसके ऊपर रखें और इसी शेप का दूसरा बिस्किट भी काट लेंगे और तीनों इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। आइए आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। अब इसके सेंटर में हम रख देंगे। इसको लगाने के बाद 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटे बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।